केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 6 स्क्वाश कोर्टों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री, जो खुद भी स्क्वाश के एक वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने इस खेल से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के द्वारा चलाए गए मिशन गंगा के विषय पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। क्या कहा विदेश मंत्री ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। नॉर्मल है कि जब भी फंक्शन में जाते हैं कहते हैं कि मुझे आज बहुत खुशी हुई थी। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं इस शहर में 6 नए स्क्वाश के कोर्ट देख पाया हूँ, उसका उद्घाटन हुआ है। और सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, आप सबके ओर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये जो कोर्स जो बने हैं, जो उसके साथ जो सबको जो अवसर जो आएगा, खेलने का अवसर जो आएगा, जो फैसिलिटीज़ जो आएंगी, इनके लिए मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू कहूँगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो सामने बैठे हैं, आप में से कितने लोग स्क्वाश खेलते हैं? बस एक दो। चलिए, अब 6 कोर्ट बन गए तो मेरी आग्रह है कि बाकी लोग भी प्लीज़ अपना हाथ वहाँ स्क्वाश में ट्राई करिए। ये मेरा भी शुरुआत में नेचुरल गेम नहीं था। मैं पहली बार जो मैंने स्क्वाश जो शुरू की थी, मैं 24 वर्ष का था, मैं मॉस्को गया था, हमारे एम्बेसी में वहाँ स्क्वाश कोर्ट, और तब तक मैंने स्क्वाश कोर्ट देखे तो थे, पर नॉर्मली हम लोग बैडमिंटन ज़्यादा ही खेलते हैं। और उसके बाद 24 वर्ष के साथ आज तक, अब मैं 68 साल का हूँ, तो 44 वर्ष मैं स्क्वाश खेल रहा हूँ। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इसमें कि खेलो इंडिया जो है, माने कम उम्र से करनी चाहिए, पर इसका कभी अंत नहीं होता, कि कोई इसकी एक्सपायरी नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती। खेलो इंडिया सबके लिए है, फिट इंडिया सबके लिए। तो और हम जो हैं, देश का परिवर्तन जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, वो तभी होगा कि हम फिट रहें। और ना फिजिकल फिटनेस तो एक बात है, फिजिकल फिटनेस के साथ एक मेंटल माइंडसेट होती है कि जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, आप गेम पॉइंट पे होते हैं, और आप कहीं आप अंदर सोचते हैं कि अरे ये गेम पॉइंट में मुझे किसी तरीके से निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं, क्योंकि मेरा, आप जानते हैं कि जिम्मेवारी जो है वो कूटनीति में है, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि बहुत आत्मविश्वास के साथ, बिना हौसला ऊपर होना चाहिए, कहीं वो फीलिंग होना चाहिए कि अरे इसमें से हम आगे निकल सकते हैं। और उसका उदाहरण अनुराग जी ने दिया कि जो ऑपरेशन गंगा में कभी कभी इतनी, माने गंभीर समस्या थी कि 2 शहरों में फायरिंग हो रही थी जहाँ हमारे स्टूडेंट, पर तब भी हमारे टीम में किसी के मन में नहीं था कि 1% भी चांस है कि हम इनको छोड़े वहाँ, माने वो आइडिया ही नहीं था, पर यह था कि किसी तरीके से हम निकालेंगे। तो हमारे लिए वो एक किस्म से वो मैच पॉइंट जैसा था कि हम कोशिश करते जाएं जब तक हम सफल। तो मैं आज जो है खाली स्पोर्ट्स की बात करने नहीं आया, मैं आप सबको अपने अनुभव से ये मैं आपको एक किस्म से उपदेश दे रहा हूँ कि जो मेंटल स्ट्रेंथ, जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, आपको नया इंडिया बनाना है तो हमारी वो उसकी माइंडसेट होनी चाहिए, और वो माइंडसेट सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से आती है, कोई भी स्पोर्ट, कि स्पोर्ट्स से जो एफर्ट जो है, जो कमिटमेंट जो है, वो नॉर्मल एक्टिविटी में जो वॉक के लिए जाते हैं उनसे कभी होगा नहीं। तो मेरी बस आपसे ये आग्रह है कि जो भी आप खेलें, मैंने देखा, कभी मैंने पढ़ा कि हमारे क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं उनमें से काफ़ी लोग स्क्वाश भी खेलते हैं। तो जो बाकी स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल स्क्वाश को ट्राई करिए। और मैं पीछे में अपने कोच को देख रहा हूँ, उन्होंने मुझे 40 साल खिलाते खिलाते प्रोत्साहित किया है, तो आप सबका भी कहीं ना कहीं कोच होगा। तो जब आप
सक्सेस के लिए आपको फैसिलिटी चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, पर आपको सबसे ज़्यादा अंदर के इंटरेस्ट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कमिटमेंट आप सब लोगों में है। हमारी जिम्मेदारी है सरकार की ओर से कि जितना ज़्यादा हम आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, और वो मुझे लगता है आज आप लोगों ने की है। तो मैं इसमें सबकी ओर से मैं सचमुच आपका आभारी हूँ, और एक बार और आप सबको साथ आज आपके सबके साथ इस फंक्शन में आने में मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, नमस्कार। मित्रों, ये दिन मैं कहूँगा उपलब्धि भरा भी है, क्योंकि माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ही लगभग 2 वर्ष पहले ये इच्छा प्रकट की थी कि देश में, देश की राजधानी में स्क्वॉश खिलाड़ियों के लिए एक अच्छे स्क्वॉश कोर्ट्स बनकर यहाँ पर तैयार हो। आपदा का समय था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल से कम समय के अंदर 5 करोड़ रुपए की लागत से 6 कोर्ट की सुविधा वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी स्क्वॉश कोर्ट्स बनाकर आज तैयार हुए हैं, जिनका उद्घाटन माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं अभी देख रहा था क्रिकेट के खिलाड़ी बैठे हैं, एक दूसरे को पूछ रहा था कौन सी गेम होती है, तो उसने इशारे से बताया रैकेट के साथ, बॉल के साथ खेला जाता है। मैं भी संदीप प्रधान जी से कह रहा था कि बॉल सीधे जाके खेलो तो काम चल जाएगा, कहते नहीं पहले बॉल को भी थोड़ा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो चलता नहीं है। तो हर खेल के अलग अलग नियम हैं, और अब आप जब इस सेंटर में आते ही हैं तो कई बार चीज़ें दूर से देखने में बहुत आसान लगती है, तो बस छोटा सा कोर्ट है, रैकेट से बॉल को ही तो मारना है और क्या है। लेकिन जब उस कोर्ट पर जाते हैं तो पता चलता है 2 लाइनों के बीच में भी मारना है, बॉल वापस भी आनी चाहिए, और ताकत भी उसमें कितनी लगती है वो भी देखने में आपको दिखता होगा। मेरे लिए सौभाग्य ये है, जहाँ एक और विदेश मंत्री जी स्वयं इस खेल को खेलते हैं, जब समय मिले बहुत व्यस्त जीवन है, वहीं पर जो हमारी सचिव है खेल मंत्रालय के, इनके पति देव भी, वो भी खिलाड़ी हैं। तो मैं कह रहा था 60 साल की उम्र के बाद भी लोग खेल में कंटिन्यू कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है वो बार बार कि केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, समाज में एक वातावरण ऐसा तैयार हो कि हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को जमीन तक ले जा सकें, उसी भावना के साथ इसको बनाया गया है कि खिलाड़ी भी खेलें और आम नागरिक आकर भी इस सुविधा का फायदा उठा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भी पैदा कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा पूर्व में हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन इसमें किया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम 3 मेडल अब तक जीत चुके हैं इसमें, और एशियन गेम्स में 13 मेडल भारत जीता है। ये अपने आप में दिखाता है कि सुविधाएं होंगी तो और खिलाड़ी तैयार होंगे, और हमारा प्रयास है कि देश भर के कोने कोने में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं तैयार हों। स्क्वॉश कोर्ट्स की भी आज यहाँ पर जब बनाकर तैयार किया तो मैं माननीय जयशंकर जी से कह रहा था कि इसमें एक कोर्ट तो डबल कोर्ट भी बन सकता है, उसको मूवेबल उसके कोर्ट्स हैं वो, तो उसकी सुविधा भी हमें वहाँ पर मिलेगी। 2021 में ही सिल्वर मेडल मेंस टीम ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल हमारी वुमेन्स टीम ने एशिया टीम चैंपियनशिप में जीता था मलेशिया में, और हमारे सौरभ घोषाल और जोशना आज दुनिया के वर्ल्ड टॉप 10 रैंकिंग्स में उनका नाम आता है। ये अब बड़ी उपलब्धि भारत की भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने बाकी खेलों में देखा कि सुविधाएँ होंगी, इवेंट्स होंगे, कंपटिशन्स होंगे, तो खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन करने में और उभरने में कहीं पर कोई कमी नहीं आएगी। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें 8,500 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने भाग लिया, 12 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने, और मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत क्लोज कंपटीशन कई राज्यों के बीच में हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ही थी कि कंपटीशन्स को बढ़ावा देंगे तो हमारे खिलाड़ियों को मैच खेलने का भी अनुभव मिलेगा, और जो बैटल ऑफ नर्व्स
जो एक जरूरी और मेंटल टफनेस की हम बात करते हैं मैच के बीच में, वो भी कंपटीशन में नजर आती, नेट में या प्रैक्टिस में कभी उसका पता नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो। जयशंकर जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमने कोर्ट्स तो बना दिए, लेकिन स्क्वाश कोर्ट्स के साथ साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में यहाँ पर कंपटीशन भी जल्दी होने शुरू हो जाए, ताकि और खिलाड़ी भी उभर कर आ सकें और इसी तरह से हमारे खिलाड़ी आगे और अच्छा कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता आज आपके पास समय की कमी भी है, लेकिन एक आभार आपको और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मन से भी प्रकट करना चाहता हूँ। बार बार कई देशों में भारत के लोगों को संकट आया, तब संकट मोचन बन के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम भी किया। अभी हाल ही में ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 विद्यार्थी हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे युद्ध के समय, आप विदेश मंत्री और आज खिलाड़ियों के बीच में आए हैं, तो मैं मौका चूकना नहीं चाहता कि ऑपरेशन गंगा चलाकर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ और आपने स्वयं कमान संभाल के इसको आगे चले, 23,000 हिंदुस्तानी विद्यार्थियों को युद्ध की जगह से बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाने का काम भी हुआ है, तो आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी से काम करना भी हुआ। तो मित्रों, हम सबके बीच में ना केवल एक विदेश मंत्री आ रहे हैं, बल्कि एक खिलाड़ी और खेल प्रेमी भी आ रहे हैं। मैं एक बार फिर जयशंकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और नई सुविधा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवे वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।